Namaskar friends, this is Sudeep Sen from Uttur NTC. Once again back to you. Hope you have all done your homework and practice regarding the points which we discussed in last few modules. Today's topic is very important. Now you are about to enter the interview room. Normally, my observation is that most of the people feels little anxious, worried before entering the interview room. कि क्या होगा अंदर में, कैसा question करेगा, अगर नहीं कुछ नहीं आता है मेरे को तो क्या होगा, ऐसा सोच आता है. डरने का कुछ नहीं है. Why? Because आपको खोने का कुछ नहीं है इंटरव्यू में. आप सोच के देखो, आप जहां पे है अगर इंटरव्यू अच्छा हुआ तो वहां से और अच्छा जॉब आपको मिल सकता है. अगर इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, जहां पे आप था वहीं पे रहेंगे. बट उल्टा साइड पे आप देखो, जो इंटरव्यूअर्स हैं दे आर वेल पेड पीपल, हाईली सैलरीड पीपल. उसका ऑफिस में एक इज्जत भी है, दैट्स व्हाई ही हैज बीन सेंट फॉर द इंटरव्यू. नाउ इफ ही हैज सिलेक्टेड ए रॉन्ग पर्सन तो क्या होगा, उसको ऑफिस में उसका पोजीशन जाएगा. पीपल विल से यू आर नॉट गुड इन इंटरव्यूइंग एंड सिलेक्टिंग द कैंडिडेट्स. और आगे का जब इंटरव्यू सेशन होगा उसमें शायद इसको इन्वॉल्व भी नहीं किया जाएगा. तो ही इज हैविंग समथिंग टू लूज इनटू द इंटरव्यू. सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस वंस द पर्सन इज सेटल्ड इनटू द चेयर, ही सेट प्रॉपरली, वी आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन, टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ. एंड सो मेनी केसेस वी हैव सीन, पीपल स्टार्ट्स विद दैट कि सर मेरा फादर तो यहाँ पे काम करता है, मेरा मदर तो हाउस वाइफ है, मेरा ब्रदर क्लास 11 में पढ़ता है, ऐसा ऐसा करके मैं ये गांव से हूँ. देखो ये सब में कोई फायदा नहीं है क्योंकि दिस आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू योर सिलेक्शन प्रोसेस. आपको करना क्या है, इस मोमेंट पे आपको इनिशियल इम्पैक्ट क्रिएट करना है दैट यू आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ ए पर्सन. तो आप सीधा आपका नाम बताओ एंड नेम यू शुड टेल इन टू पार्ट्स सो दैट योर नेम इज रजिस्टर्ड इन द माइंड ऑफ इंटरव्यूअर्स प्रॉपरली. क्या करना है, सर माई नेम इज सुदीप, सुदीप सेन. दैट मीन्स यू हैव गिवन अ लिटिल पॉज इन बिटवीन एंड देन यू हैव रिपीटेड योर नेम. सो द नेम सुदीप विल गेट रजिस्टर्ड इन टू द interviewer's mind, and then immediately you start with some topics as your extracurricular activities or maybe your hobbies or something which is something uncommon type. Maybe you are working for some old age home people on Sundays, or maybe you have some knack of doing bird watching, something like this which is uncommon and it attracts the attention of interviewers, and then they start asking you the questions further into that topics for next 2-3 minutes. And the moment next 2-3 minutes they keep on asking questions into that particular topic of your expertise area, you can play very well into that. And agar koi batsman pehla 15-20 minutes acha se easy ball se crease pe agar set ho jata hai तो उसके बाद तो होल्ड बैट कर देगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. डिफिकल्ट बॉल भी अच्छे से बैटिंग करेगा क्योंकि हाथ सेट हो गया. आपको भी अगर पहला 3-4 मिनट आपकी जो एक्सपर्टाइज टॉपिक है वो बर्ड वॉचिंग हो सकता है, गार्डनिंग हो सकता है, फिशिंग हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, जो भी है आपका, अब अगर उसी में अनकॉमन टॉपिक्स को वहाँ पे प्लेस किया तो दैट विल फेच टू एरियाज फॉर यू. वन इज दैट यू आर क्रिएटिंग ए इम्पैक्ट दैट यू आर लिटिल डिफरेंट पर्सन. Apart from your academics, you are doing something different. Plus, you are expecting the questions. You are pulling in the questions for next 2-3 minutes into your preferred area. And then you can play well, right? So don't waste your time there telling that my brother is working here or my sister is reading here, I am from this village, that village. No, come to the point,
and utilize every second of that particular scope given to you and bombard it to the interviewer's mind that you are a different personality. Sometimes tricky questions are coming like this. Tell us something about your weaknesses. अभी इसमें हमारा डर आ जाता है कि अगर मेरा वीकनेस कुछ बता दिया तो उसके लिए ना मैं इंटरव्यू से मैं रिजेक्ट हो जाऊँ, तो इसलिए करना क्या है. लेकिन ये भी तो हम लोग नहीं बता सकते कि हमारा कोई वीकनेस है ही नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है. तो उस टाइम पे नॉर्मली क्या है, हम लोग फंबल करते हैं, क्या बताएं, सोचते रहते हैं, एंड दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. करना क्या है कि इसी में भी आपको स्कोर करना है. आप कुछ तो पॉइंट बताएंगे एज वीकनेस, बट उसका एंडिंग होगा विथ ए स्ट्रेंथ. फॉर एग्जाम्पल आप ये ऐसा बता सकते हैं कि सर आई एम समटाइम्स इम्पेशेंट एंड गो टू मच फॉर द वर्क बाई माई सेल्फ व्हेन वी आर वर्किंग अगेंस्ट टाइट डेडलाइंस. इसका मतलब क्या हुआ कि जब सर हम लोग दो चार आदमी मिलके एक साथ में टाइट डेडलाइन पे कुछ काम पे उतर जाते हैं एज ए टीम, तो उसमें क्या होता है, समटाइम्स मैं थोड़ा सा इम्पेशेंट हो जाता हूँ. दिस इज यू आर टेलिंग जस्ट लाइक योर वीकनेस, बट उसके साथ आप क्या अटैच कर रहे हैं, तो उस टाइम पे मैं इम्पेशेंट होकर क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा ओवरलोड में काम कर लेता हूँ. मतलब अपना काम जो है अपना पोर्शन करके दूसरों का भी पोर्शन में मैं कुछ कुछ कर लेता हूँ, बिकॉज वो टाइम लाइन के ऊपर मेरा ये है. तो इसमें क्या ऐड हुआ कि आप इम्पेशेंट तो बता रहे हो, बट वो किस लिए, पर्पस क्या है, कि काम को टाइमली एज ए टीम पूरा खत्म करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस, वो एक्चुअली इनडायरेक्टली आप बता रहे हो, और उसके लिए आप खुद एक्स्ट्रा काम करने के लिए भी सेल्फ मोटिवेटेड हो. दैट मीन्स आपने तो बताया तो एक वीकनेस, लेकिन उसके साथ साथ आप दो तीन स्ट्रेंथ को आप घुमा के लेके आया कि आप तो एक सेल्फ मोटिवेटेड हो, दूसरा आप ओवरऑल टीम वर्क के बारे में सेंसिबल एंड रिस्पॉन्सिबल हो, और उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए भी आप तैयार हो. दैट मीन्स एक वीक पॉइंट आप बताने के लिए गया, लेकिन आप इनडायरेक्टली आपका तीन स्ट्रेंथ पॉइंट को वहां पे हाईलाइट कर दिया. दूसरा ऐसे भी बता सकते हैं कि सर आई कॉम्प्लीमेंट एंड प्रेज माई टीम मेंबर्स फॉर गुड वर्क, बट आई ऑलवेज फील आई कुड हैव डन बेटर इन माई पार्ट. तो इसमें भी क्या हो गया, आपने तो बताया कि सर आई कॉम्प्लीमेंट माई टीम मेंबर्स, अच्छा काम किया तो मैं सबको शाबाशी तो देता हूँ, लेकिन मैं खुद के लिए जो मैं सोचता हूँ कि मेरा जो काम की पोर्शन था उसमें मैं कभी सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ, लगता है कि और भी मैं थोड़ा सा अच्छा कर सकता था. तो ये आपने तो वीक पॉइंट के हिसाब से बताया, लेकिन इसका मीनिंग क्या हो गया कि यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू इम्प्रूव इम्प्रूव एंड इम्प्रूव. एंड कोई भी एम्प्लॉयर ऐसा ही तो एम्प्लॉय को चाहता है कि जो ऑलवेज इम्प्रूव करने का मूड पे रहता है, कभी सेटिस्फाइड नहीं रहता है कि अपने काम में बहुत अच्छा कर लिया, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं है. ही इज़ ऑलवेज ट्राइंग टू इम्प्रूव. तो इसलिए क्या है कि आप बता तो रहे हो वीकनेस, लेकिन उसको आप एंडिंग पे आप स्ट्रेंथ पे लेके आ रहे हो. ये मैं आपको दो सैम्पल ही बताया. अपना एक ऐसा ढंग की आंसर आप बना के रखो, बार बार प्रैक्टिस करते रहो, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आया इमीडिएटली हॉल पे बता दिया, एंड यू हैव क्रिएटेड ए वेरी गुड इम्पैक्ट देयर. अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वेयर डू यू वॉन्ट टू बी इन नेक्स्ट 5 years, 5 साल में आप कहां तक पहुंचना चाहते हो, मैनेजमेंट वॉन्ट्स टू सी योर व्यूज एंड विजन्स, तो उस टाइम पे भी क्या करना है, कुछ तो बताना पड़ेगा. पकड़ लो कि जो जॉब के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो, दैट इज अ पोजिशन ऑफ ए सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो आप बता सकते हो कि सर आई वॉन्ट टू सी माई सेल्फ एज द बेस्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर 5 years. दैट मीन्स यू आर फोकसिंग ऑन द वर्क, नॉट फॉर एनी मनी और एनी पोजिशन रैंक, नो, एज द बेस्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. और मे बी यू आर अप्लाइंग फॉर ए पोजिशन एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर. यू कैन टेल कि सर आफ्टर 5 years I want to see myself as the best maintenance engineer within the company. So this flair is that you are focusing on your quality of work, not on money or rank or promotion. Any employer likes this kind of person, that he is focused on the quality of the work, not on promotion, rank or money.
So this is the way you have to answer, so that in each and every question you score high. One more drama is created sometimes into the interview hall. If 3-4 people are there into the interview panel, you may find one person is very friendly, just like your parents. He is behaving with you with a smiling face, soft eyes. Another member in the panel is just opposite, very harsh, irritating and disturbing kind of person. ऐसा अगर होता है इन आवर डेली लाइफ, नॉर्मली क्या होता है, हम लोग ज़्यादा अटेंशन देते हैं टू दैट सॉफ्ट पर्सन एंड वी ट्राई टू अवॉइड द पर्सन हु इज एक्चुअली इरिटेटिंग अस, रफली बिहेविंग विद अस. बट डोंट पुट योर लेग इन टू दिस ट्रैप ड्यूरिंग द इंटरव्यू सेशन, बिकॉज हियर दिस टू पर्सन इज एक्चुअली प्लेइंग टू डिफरेंट रोल इंटेंशनली एंड दे वॉन्ट टू जज whether you are a person by nature who can deal with all kinds of person with equal balance. तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको पता चल गया ना, now you know कि this is a drama only. So do not do any reaction there. You just keep on answering the questions and maintain same smile, same eye contact with all the interview members equally, including the person who is irritating you, who is disturbing you. If you can do it, that means you are scoring very high into the parameter which actually they were judging, creating that drama situation, right? Questions may also come, what are your hobbies and interests? And in so many cases I have seen, people are saying very commonly, hobbies and interest means watching cricket and listening music. Absolutely, you will get zero only if you say like this. Reason, the same thing will be told by most of the people. Then what is the difference? Where you are the unique person? What is your specialty? Nothing. So find out what you can say as a speciality for you. Suppose you are a cricket player, you are playing for the college team. Yes, then you can tell, because everybody do not get a chance to play into the cricket college team. But watching cricket, everybody can watch. Or suppose you are really a singer. You have a band where a group of friends, you are doing some stage functions. Then you can tell, because everybody cannot do that thing. Listening music, everybody can do. But stage performance as a singer or a musician, everybody cannot do. Or you might be a painter. Or you might be having a kind of a hobby of some working for NGO. Or you might be having some hobby for the street dogs, feeding the street dogs. So or maybe a bird watcher. Something you have to tell there, which is unique, which is not common for most of the people, and then you score very high into that case. This boy or this girl is doing good into his academics, but at the same time he is having this kind of special knacks about the life. He is doing so many different things. Agar aapko lage aisa to mera kuch hai nahi presently, koi parwa nahi hai, aaj kuch nahi hai. लेकिन अभी आप समझ गया ना, दीज आर द पॉइंट्स वेयर यू कैन रियली स्कोर हाई एंड यू कैन ओवरटेक द अदर गाइज इन योर कॉम्पिटिशन. सो आज से आप सोच लो, कौन सी एक टॉपिक आप जिसमें एज ए हॉबी और एज ए पर्सनल इंटरेस्ट थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, और उसको लेके अगर 1-2 महीना आगे आपने कुछ कुछ काम किया है, तो क्या होगा 2 महीने के बाद से जो इंटरव्यू आपके पास आएगा उसमें तो आप बता पाएंगे इसके बारे में, तो हो गया ना काम. तो आज से ही आप सोच लो, अगर आपके पास ऐसे कोई हॉबीज प्रेजेंटली नहीं है, अगर कुछ है तो उसको ढंग से सजा के ना थोड़ा सा इम्पैक्ट क्रिएटिंग स्टोरी बना के रेडी रखो. क्वेश्चन कम्स इमीडिएटली, यू डिलीवर द सेम थिंग टू द इंटरव्यूअर्स. एट द लास्ट स्टेज ऑफ द इंटरव्यू समटाइम्स दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड,
how much salary you are expecting from this job. यहाँ पे भी ट्रिक्स है, आपको प्रूफ करना है कि यू आर नॉट ए मनी माइंडेड पर्सन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गाइज इन दिस केस स्टार्ट आंसरिंग, सर आई नीड एटलीस्ट 10,000 rupees और मे बी 20,000 rupees. सो दिस 10,000, 20,000 द कंपनी इज नॉट गोइंग टू गिव यू सैलरी बेस्ड ऑन योर एक्सपेक्टेशन. कंपनी विल गिव यू द सैलरी बेस्ड ऑन देयर इंटरनल पे स्ट्रक्चर एज पर योर क्वालिफिकेशन and experience wherever you sit, company will give according to that only. So here, if you tell some figure, then you may put your leg into a trap. So don't do like that. You say, okay, sir, this is a basically a starting phase of my career. So money, definitely, if I work properly, I will have enough time to earn good money. But this is the stage where I have to make myself established, I have to learn so many new things. That's why I am looking towards a complete package where money is definitely a small part, absolutely no doubt. But more than that, more important to me is that scope of learning, scope of development, scope of training, scope of involvement into the new technologies, scope of involvement into the good projects. So those things are more important for me, and I am looking towards a complete package including all these things where salary is definitely a small part only. So if you tell like this, that means you are again proving that you are not a money minded person only. You are not looking to the job only for earning money. You are a person who wants to develop himself, who wants to contribute to the company. And employers like this kind of persons only. So like this way, each and every question comes to you, which are basically non-technical questions. And there, the employer wants to judge you as a person, your insight they want to see. Here, if you plan like this, your answers, every question, you will score very good marks. So keep noting the points. And as I requested earlier also, keep practicing these points from today itself. Bar bar ghar mein practice karo, so that on that real day of the interview, real day of the drama on the stage, it becomes a normal, common habit for you to tell like this. Nothing special on that day. So the moment your practice is over, then again join me back. For the next module, we will discuss few more questions like this. Tab tak ke liye, dhanyavad and thank you.